रखदा चन मुड़ मुड़ के दीगर ऐलान किया जा रहा है कि किबला साहबजादा अताउल मुस्तफ़ा जमील साहेब बहमदी ताला तशरीफ ला चुके हैं। आप खाना तनावल फरमा रहे हैं, जैसे ही स्टेज पे पहुंचेंगे आपका खिताब शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। सूफ़ी मोहम्मद जवेद साहब तशरीफ लाते हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जिब्रील अमी ये कहते चले
दुलारा आवत है, यासीन की चमक है दांतों पर, यासीन की चमक है दांतों पर, तो हाका करश्मा नैन बरे, तो हाका करश्मा नैन बरे, वल फजर का जलवा गालन में, वल फजर का जल तारा आवत है, वल फजर का जलवा गालन में, वो अर्श का तारा आवत है, मैं राज की रतिया दोम ये थी एक राज दुलारा आवत है, सेरा सरसोहत वो अहमद प्यारा आवत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम, अज दा अज़ीम शान प्रोग्राम तुहाडे मेरे आका गरीबां दे गम गुसार, गज के आखो दा ये माशाल्लाह, तुसा जमील साहब दा खिताब सुनना, जिन्ना सुनना आखो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इज्जत दे नाल माला माल फरमाए। हजरात, अज दा ज़िमुशान प्रोग्राम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात दे नाल मनसूब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मेराज दे हवाले दे नाल तुसा गुफ्तगू सुननी है। साडा अकीदा, साडा ईमान है, जिस चीज़ का तल्लक, जिस चीज़ का वास्ता, जिस चीज़ का राबता हुजूर दी ज़ात दे नाल हो जाए, वो चीज़ दुनिया कायनात दिया तमाम चीज़ों तो अफसल आला हो जाती है। कच के आखो सुभान अल्लाह। जिस चीज़ का तल्लक वास्ता राबता हुजूर दी ज़ात दे नाल हो जाए, वो चीज़ दुनिया कायनात दिया तमाम चीज़ों तो अफसल आला हो जाती है। अगर किताबा विचों कुरान की नस्बत सरकार की ज़ात दे नाल है, कुरान तमाम किताबा चो आला, सब्जियां विचो कद्दू शरीफ की नस्बत सरकार की जात दे नाल है, कद्दू शरीफ तमाम सब्जियां चो आला, शहर मदीना की नस्बत सरकार की जात दे नाल है, शहर मदीना भी तमाम शहर चो आला, गुलाम की नस्बत सरकार की जात दे नाल है, गुलाम भी तमाम गुलामा चो आला, उम्मत की नस्बत सरकार की जात दे नाल है, उम्मत भी तमाम उम्मता चो अफसलो आला, अज की महफल की नस्बत भी सरकार की जात दे नाल है, महफल भी तमाम महफल च अफसल आला महफल है, जेडे महफल च अफसल आला जी महफल च बैठे हो गज के आखो सुबहान अल्लाह। और हजरात मोहतरम, अल्लाह खालिक कायनात ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने दे मेराज बयान करने तो पहला अपनी रबूबियत का ऐलान फरमाया, पाक ओ ज़ात जिसने मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सैयदना जबरील अमीन हाजिर होए, अल्लाह दे पैगाम लैके अल्लाह दे हुक्म दी तरफों सैयदना जबरील अमीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए। कौन जबरील? ए ओ जबरील है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया आके तलियां चुमदा पिया, ते हजरत आदम ने सलाम को पैगाम लैके अल्लाह दे कासदी लख 24,000 कमो पेश अंबिया इकराम को जबरील अलैहि सलाम तशरीफ लियाए और किसे दिया तलिया ना चुमिया। सदके ना जाइए आमिना दे लाल तो, सदके ना जाइए मदीने दे ताजदार तो, और फिर सैयदना जबरील अमीन ने तलिया चुमिया। फिर असी कूचा कूचा करिया करिया बस्ती बस्ती क्यों ना इस गल का होका दईए, न जन्नत की गलियों में देखा, न जन्नत की गलियों, जन्नत न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मुहम्मद की तलियों का, मजा जो मुहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मुहम्मद की तलियों। हजरात,
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर करना अपनी गुफ्तगू समेत तवज्जो करना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर सैयदना जबरील अमीन बुराक लै के हाजिर होए। बुराक होर भी बड़े सन, किसी अपने माल ते ना सी, किसी हुसन दे ना सी, किसी टोर ते ना सी, मगर कुर्बान जावा मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम इको बुराक जरा नुकरे लग पे रोंदा पिया। हजरात सैयदना जबरील अमीन ने पूछा ए बुराका क्यों रो रहा है? आंदे जबरील जिदन दा सुनिया यार नू मेराज होना है, यार दे फराक दे अंदर रो रहा वा। हजरात पता चलिया जेड़ा जेड़ा मेरे नबी दे फराक दे अंदर रोया अल्लाह दे नबी ने बड़ा ही पसंद फरमाया है। अगर बुराक रोया अल्लाह दे नबी ने पसंद फरमा लिया, अगर बिलाल रोया अल्लाह दे नबी ने पसंद फरमा लिया, अगर उमैया दे हवेली दे अंदर बिलाल रोंदा है अल्लाह दे नबी ने पसंद फरमा लिया, अगर करन शहर दे अंदर रहने वाला अवैस रोंदा है अल्लाह दे नबी ने पसंद फरमा लिया है, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल चुप कर जा तेरे रोन दा मुलबा छड़िया है सोनिया मुल्की पाया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल तेरे रोन दा मुल्ले पाया है, जन्नत विच सब तो पहले बिलाल तू दाखल होएगा, जन्नत भी सब तो पहले बिलाल तू दाखल होएगा। हजरात जेरा जेरा भी असी माल दे पिछे जायदाद पिछे औलाद पिछे रोने आ, मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों सैयदना बिलाल हबशी सरकार दे फराक दे अंदर जेरा जेरा भी रोया है अल्लाह दे नबी ने पसंद फरमा लिया है। हजरात ने बुराक रोया अल्लाह दे नबी ने पसंद फरमा लिया। बुराक की जिथे नजर जाती सी पहला कदम उथे हजरात किताबा पढ़ के वेखो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक ते सवार होए। पहली ज़ियारत मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु कराई गई मूसा अलैहि सलाम कब्र विच नमाज पे पढ़ने ने। दूसरी ज़ियारत मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कीती मदीना पाक दी सैयदना जबरील अमीन कोल पुछया ए जबरील ए केड़ी जगह वे? हजरात कुर्बान जावा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सैयदना जबरील अमीन ने अर्ज कीती ए सोनिया तुआड़ी हिजरत गा मदीना तू रसूल है, सोने तुआड़ी हिजरत गा मदीना तू रसूल। हजरात कुर्बान जावा मुसलमानों अगे चलो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा च पहुंचे। गज के जरा जरा मेरा आशरी का वाक्य सुनो ना आयो सिर्फ वो आखो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा च पहुंचे सारे नबी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आदम अलैहि सलाम तो लैके 1,24,000 कमो पेश अंबिया कराम सारे दे सारे मेरी तारीम वास्ते खड़े सन। हजरात कुर्बान जावा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे नूह अलैहि सलाम शीश अलैहि सलाम आदम अलैहि सलाम तो लैके सारे नबी मेरी तादीम वास्ते खड़े सन। कोई नारा पिया लगांदा है, कोई ये अल्फाज पिया कहंदा है सजदी मुर्शदी या नबी सजदी मुर्शदी या नबी बुलंद वाना सजदी मुर्शदी या नबिया नबी सजदी मुर्शदी या नबी नबी सजदी मुर्शदी या नबी नबी सजदी मुर्शदी नबी सजदी मुर्शदी या नबी। ते किसी ने अल्फाज अंदर याद किया सोने तेरा उच्चा नावा नाले नहीं उपर छावा तेरा उच्चा नावा नाले नहीं उपर छावा तेरिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई तेरिया तक के अदावा मैं मुरीद हो गई बाद चेरे वाले तेरिया तक के अदावा मैं हो गई तेरिया तक के अदावा मैं। और आसान कर लीए तो सारे पढ़ना जिन्ना पढ़ना आखो सुबहान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद इस्तकबाल कोई नारे पे लंदे सैयदी मुर्शदी ते किसी ने अल्फाज ने के तर्जमा कीता या मुस्तफा खैरुल
या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जयान नहीं किन्नू कमा तेरे किन्नू कमा तेरे जयान। बस आखिरी बात करके अपनी गुफ्तगू समेट रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज करके वापस तशरीफ ले आए, आके अबू जाल नू दस्या अबू जाल मैं अज दी रात पहला आसमान दूसरा सिदरतुल मुंतहा ला मका। हजरत तवज्जो करना, अबू जाल जिस वक्त सैयदना अबू बकर सदीक दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया, आंदा अबू बकर सदीक चलो यार साडा ते गल साडे नाल दी करेगा। जिस वक्त अबू जाल सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला नू आप दी बारगाह दे अंदर हाजिर होया, आंदा अबू जाल जिस ए अल्फाज आंदा है, अबू जाल आंदा अबू बकर सदीक अगर कोई आखे मैं पहला समान भी क्रॉस कीता है, दूसरा समान भी, तीसरा समान सिदरतुल मुंतहा ला मकान दियां बुलंदियां ते पहुंचा, अगर कोई आखे ते मन लवेगा सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला नू। आपने फरमाया अगर कोई आखे ते नहीं, फिर आखिया ए सदीक सोच लै अगर कोई आखे। सैयदना अबू बकर सदीक ने फरमाया अगर कोई आखे ते नहीं मनागा, फिर अबू जाल ने आखिया ए सदीक मन ले। तीसरी दफा आखिया अगर कोई आखे ते सैयदना अबू बकर सदीक ने फरमाया अगर कोई आखे ते नहीं मनागा, अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जाल ने आखिया ए सदीक अगर तेरा मदीने दा ताजदार यार आखे। गज क्या खुशबहान अल्लाह, बुलंदा वाना खुशबहान अल्लाह। माशाल्लाह चिराग पूरे साथी आए जी, सारे ज्यादा आवाज थोड़ी भी होनी चाहिए। माशाल्लाह गज क्या खुशबहान अल्लाह। सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला नो आप दी बारगाह दे अंदर अबू जाल आंदा है, तीसरी दफा आंदा है ए सदीक अगर कोई आखे ते मन लवेगा। सैयदना अबू बकर सदीक ने फरमाया नहीं, अगर अर्ज की अगर तेरा यार मदीने दा ताजदार आखे ते सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला नो आपने फरमाया जलिया अगर तू किसे दा नाम प्या लैना अगे तू ए अन्ना सै क्यों ही आखे। हुन मदीने दे ताजदार दी गल आ गई आ, लै इश्क दी बात सुन लै। सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह तआला नो आपने फरमाया जलिया अगर मेरा यार आखे कि रब आप मैनू मिलन आया सी ते मैं यार दिता मी आवाज लबै कह दवांगा। माशाल्लाह साहबजादा ज़ियाउल मुर्तज़ा साहेब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। हमारी आज की इस बज़म में हमारे मेहमान दूर दराज से तशरीफ ला रहे हैं, मैं कारी मोहम्मद अमीन साहब से गुजारिश करूंगा आगे स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर अहमद बशीर रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा आप आगे स्टेज पर तशरीफ लाएँ। हमारी आज की इस बज़म के अजीम नात खान तशरीफ़ लाते हैं जनाब मोहम्मद यूनस हैदरी साहेब, बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत व मोहब्बत पेश फरमाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी नात के दौरान क़िबला साहब ज़रा साहब तशरीफ़ ले आएंगे और साथ ही उनका खिताब शुरू हो जाएगा। मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर। इस तरह ने भी सब की आवाज़ में या सब एक आवाज़ से होके अपने रब की किबरियाई का ऐलान करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न मेराज नबी। सूफी मोहम्मद यूनस हैदरी साहब नहत काबिल सद-ए-एहतराम अशकान मुस्तफ़ा और बसद एहतराम उलमाए अहले सुन्नत जनाब मसनद सदारत पे उम्दतुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहेब दामत बरकातुल्लाह दीगर उलमाए अहले सुन्नत हमारे सरों के ताज साहबजाद वाला शान हजरात नहायत इख्तिसार देना हाजरी मकसूद है। मेरे तो पहले राह वाली दे बहुत मशहूर मारूफ बुजुर्ग साढ़े सना खान बड़ी इस मुनासबत दे नाल इस रात दे तारे दस्ते ने कलाम पेश फरमा रहे सन, इस तरह मैं भी हाजिर हाँ। नहायत मुख्तसर जी हाजरी पेश करनी है, जिन्हें तुसी बैठे हो ना हजूर दे गुलाम मिल के मुहब्बत नाल
एक दो मरतबा दरूद पाक बाबा से बुला दी। रब पाक ने सोने नू